हेलो गाइस, मैं मयंक यादव आपका स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के सेशन में, जो होगा 15 मिनट का और 18 मई 2020 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सक्सेस जोन के चैनल में आपको पढ़ा जाता है एसएससी, बैंक, रेलवे और वापम के कोर्सेज, साथ ही साथ टेक्निकल कोर्सेज और टेट कोर्सेज। ठीक है, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल जहाँ से आप इस चैनल की सारी पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, बुंडेसलीगा किस यूरोपीय देश से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन इटली, पुर्तगाल, जर्मनी और फ्रांस। तो आंसर रहेगा जर्मनी। ठीक है, बुंडेसलीगा 1662 से एक फुटबॉल लीग है, जिस तरह हमारे यहाँ आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, वहां भी एक फुटबॉल का लीग होता है जिसे बुंडेसलीगा कहते हैं और यहाँ 18 टीमें खेलती हैं। ठीक है, जर्मनी की बात करते हैं, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, संसद ऊपरी सदन को बुंडेसरात, निचला सदन को बुंडेस्टाग और चांसलर है एंजेला मार्केल। ठीक है, राष्ट्रपति है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमायर और मुद्रा है यूरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इसका ध्वज और ये मैप में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में विरोध के रूप में ध्वज जलाने पर रोक लगाई है? रूस, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस। तो इसका भी आंसर है जर्मनी। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, शांति में एक साथ रहने का अंतरराष्ट्रीय दिवस दिनांक खालिस्तान को मनाया जाता है 13 मई, 12 मई, 17 मई या 16 मई? तो आंसर है आपका 17 मई। ठीक है, शांति में एक साथ रहने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है, जो शांति, सहिष्णुता, समावेश, समाज और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए 2017 से संयुक्त राष्ट्र ने इस चीज को हर साल 17 मई को मनाने की घोषणा की। ठीक है, इवेंट बोट क्या है? ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारे, इवेंट बोट क्या है? एक मालवेयर है, एक स्पाईवेयर है, एक कीड़ा है, एक बग है। तो ये आपका ये है एक मालवेयर है। ठीक है, ये एक मालवेयर है। ठीक है, भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी सिस्टम टीम ने इवेंट बोट नामक एक नए मालवेयर के खिलाफ चेतावनी जारी की। ये जो है एंड्रॉयड फोन के साथ एंड्रॉयड फोन में उपयोगकर्ताओं से व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी ले लेता है। इनका मुख्य उद्देश्य धन हस्तांतरण यानी मनी ट्रांसफर पर इनकी नजर रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जुलाई अंत तक भारत में कितने राफेल जेट आएंगे? 6, 10, 4 और ये 2। तो ये है 2, ये है 4, सी 4। ठीक है, भारत डेसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाए गए फ्रांस से राफेल आयात करेगा। ठीक है, फ्रांस की जानकारी देखते जब तक, राजधानी है पेरिस, संसद ऊपरी सदन को हम सीनेट बोलते हैं और नेशनल असेंबली, सीनेट सीनेट यूके में भी है और यूएसए में भी है और नेशनल और उधर है उनकी लोअर असेंबली को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं यूके और यूएसए को। ठीक है, ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति है एम्यूनल मैक्रॉन। ठीक है, प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप। ठीक है, और मुद्रा है यूरो। आगे चलते, और ये इसका ध्वज और ये मैप में। ठीक है, सरकार द्वारा मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 50,000, 40,000, 60,000 या 30,000 करोड़ रुपए? तो ये इसका आंसर है 40,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 40,000 करोड़ रुपए। 1993 से प्रस्तावित मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, पहले नरेगा बनाया गया था इसको, 2005 में इसका नामकरण महात्मा गांधी जी के नाम पे कर दिया गया और ये अनुच्छेद 21 के तहत, जिसके तहत सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को नौकरी देना। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का प्रमुख कौन होगा? महेश सिंह, इकबाल खान, अजय भल्ला, संतोष नेगी। तो इसका सही आंसर है अजय भल्ला। ठीक है, अजय भल्ला केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुख्य सचिव हैं। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुख्य सचिव है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण गठन 2005 गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ठीक है, एजेंट कार्यकारी यानी एजेंट एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, किस राज्य ने बड़ों की सुरक्षा के लिए मिशन ग्रैंड केयर शुरू किया? तो तमिलनाडु ने किया, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो ये इसका आंसर है केरल ने शुरू किया। ठीक है, बड़ों की सुरक्षा मतलब हमारे यहाँ बुजुर्ग, उनकी सुरक्षा कोविड-19। ठीक है, यहाँ पर कोविड-19 आता। ठीक है, कोविड-19 आता इंग्लिश में। ठीक है,
तो ग्रैंड केयर शुरू किया है, ठीक है। और साथ ही साथ ये कुटुंबश्री मिशन भी इनके साथ लगी हुई, कुटुंबश्री मिशन यानी ये जो महिला स्वास्थ्य सहायता समूह है इनके साथ जागरूकता गतिविधियों में लगी हुई है, ठीक है। केरला की जानकारी देखते हैं। केरला 1 नवंबर 1956 को राज्य का गठन हुआ, 14 जिले हैं। तिरुवनंतपुरम यानी ये तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। विधानसभा में 144 सीटें, लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 9 सीटें, ठीक है। पीपीपी, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरकार कितने एयरपोर्ट की, ठीक है, ये आंसर क्वेश्चन ये होगा कितने एयरपोर्ट की नीलामी करेगी, ठीक है, कितनी एयरपोर्ट की नीलामी करेगी। तो आपके ऑप्शन है 10, 9, 6 या 8, तो आपके आंसर है 6, ठीक है, 6 एयरपोर्ट की नीलामी कर रही है। पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप की क्या है, इसमें क्या है, कुछ हिस्सा पब्लिक यानी कुछ हिस्सा सरकार का, कुछ हिस्सा उसमें का सरकार काम करेगी, कुछ हिस्सों पे प्राइवेट कंपनीज अपनी हिस्सेदारी लगा के काम करेगी, जिससे जिससे क्या है सरकार मुनाफा मुनाफा कमा पाए, इसलिए इस चीज की शुरुआत की गई है, ठीक है। आगे देखते, सरकार खालिस्तान के परिवार के साथ समुद्री और अंतरदेशीय मत्स्य पालन के विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य योजना शुरू करेगी। 20,000 करोड़ रुपए, 16,000 करोड़ रुपए, 17,000 करोड़ रुपए, 19,000 करोड़। आपका आंसर है 20,000 करोड़ रुपए, ठीक है, ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए मत्स्य पालन विकास के लिए, ठीक है, जिसमें से 11,000 समुद्री गतिविधियों के लिए, ठीक है, 9,000 करोड़ क्या है बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह कोल्ड चेन और बाजार के लिए, ठीक है। आगे देखते, किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म का निवेश किया है, ठीक है, निवेश किया है उसमें, ठीक है, गूगल ने किया है, L&T ने किया है, जनरल अटलांटिक ने किया है, अमेजोन ने, तो इसका सही आंसर है जनरल अटलांटिक, ठीक है। जियो प्लेटफॉर्म में 1.34% हिस्सेदारी, ठीक है, एक हिस्सेदारी के लिए जनरल अटलांटिक ने 6,598.38 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, ठीक है। राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया, महेश मिश्रा, राजेंद्र गुप्ता, शेखर दत्त या राजेश गोयल, तो आपका आंसर है राजेश गोयल, ठीक है, राजेश गोयल, ठीक है। और इस जो NAR यानी जो क्या था रियल एस्टेट यानी राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का गठन 1998 को हुआ और ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार ने रक्षा पर FDI 49 से बढ़ाकर खालिस्तान कर दिया, 60%, 74%, 67%, 71%, तो उन्होंने 74% कर दिए, ठीक है, 74%। जम्मू और कश्मीर बैंक के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया, अजान कुरैशी, वसीम खान, जुबीर इकबाल या साकिब अंसारी, तो सही आंसर है जुबीर इकबाल, ठीक है, जुबीर इकबाल। सेबेस्टियन वेटल ने F1 सीजन के अंत में अपनी एक F1 टीम छोड़ने की घोषणा की है, ठीक है, वह खालिस्तान के F1 ड्राइवर है, माज़्दा के हैं, होंडा के हैं, फरारी के हैं कि टोयोटा के, तो सही आंसर है फरारी के, ठीक है, फरारी। और कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ी जैसे कि लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के F1 ड्राइवर है, मैक्स वर्स्टैपन रेडबुल के, चार्ल्स लेक्लेयर और भी अन्य, ठीक है। राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली किस संगठन ने शुरू की है, ठीक है, महाराष्ट्र पुलिस, NDMA, CAPF, श्रम विभाग, तो ये NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मजदूरों पर नजर रखने के लिए यह राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली उनके आवागमन पर नजर रखने के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली, ठीक है, राष्ट्रीय जिसको बोलते हैं नेशनल माइग्रेट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 साल के लिए अपने वेतन का खालिस्तान त्यागने का फैसला लिया, ठीक है, तो वो आंसर है 30% त्यागने का फैसला लिया, ठीक है। देखते हैं अंतरिक्ष बल का अनावरण किस देश ने किया, रूस, अमेरिका, चीन और भारत, ठीक है, तो ये अमेरिका ने किया, ठीक है, अमेरिका अपना अंतरिक्ष बल शुरू किया जिसका नाम US स्पेस फोर्स रखा गया, ठीक है। अमेरिका की जानकारी देखते हैं तो राजधानी वॉशिंगटन DC, सदन को क्या बोलते हैं, सीनेट, निचला सदन, प्रतिनिधि सभा, ठीक है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और
उपराष्ट्रपति माइक पेंस और यूएस डॉलर यहाँ की मुद्रा। आगे बढ़ते हैं, ये इसका ध्वज और ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। भारत सरकार ने खालिस्तान के लिए ऑपरेशन ग्रीन को विस्तृत करने का निर्णय लिया। फल, सब्जियां, अनाज और ऑप्शन ए और बी। तो सही आंसर ऑप्शन ए और बी, ठीक है। फल और सब्जियों के लिए ये एक्सटेंड करने का निर्णय लिया है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि ऑपरेशन ग्रीन को 500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कोष के साथ विस्तृत किया जाएगा और टमाटर और प्याज और आलू के सभी फलों और सब्जियों तक बढ़ाया जाएगा, ठीक है। जिसपे 50% सब्सिडी, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज सहित भंडारण पर 50% सब्सिडी की सुविधा होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा राज्य कारखाने में श्रम के बढ़े हुए काम के घंटे पर आदेश वापस ले, ठीक है, वापस लिया है, ठीक है, लिया होगा, ठीक है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो उत्तर प्रदेश ने जो उन पर जो काम जो उन्होंने बढ़ाया था 8 से 12 घंटे का, उसे वापस ले लिया है, ठीक है। श्रम कानून से संबंधित इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कुछ याचिका के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रम के बढ़े हुए, ठीक है, घड़े हुए जो काम करने का समय था, कार्य करने का समय था, ने करने पर उस पर अपना जो डिसीजन था उसको वापस ले लिया, ठीक है। आगे बढ़ते, विश्व दूर संचार और सूचना सोसाइटी दिवस खालिस्तान तारीख को मनाया जाता है, 23 मई, 16 मई, 17 मई या 21 मई। तो ये 17 मई को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व दूर संचार और सूचना सोसाइटी दिवस 17 मई को मनाया जाता है। थीम क्या है? कनेक्ट 2030 आईसीटी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, ये इसकी थीम है, यानी विषय है 2020। पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर ट्रेडिंग पोर्टल ENAM खालिस्तान मंडियों तक पहुंचा, 900 मंडियों तक, 1000 मंडियों तक, 1100 या 13, तो ये 1000 मंडियों तक पहुंचा, ठीक है। पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर यानी ENAM 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 मंडियों तक पहुंच गया, ठीक है। ENAM लॉकडाउन के दौरान सामाजिक गड़बड़ियों के लिए एक उपकरण बन गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसान अपना सामान ऑनलाइन बेच सकते हैं, ठीक है, उससे कोई और खरीद सकता है, ठीक है, ये है बस ये ENAM प्लेटफॉर्म और इससे कुछ ज्यादा नहीं, ठीक है। तो हमारा सेशन यही तक था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सक्सेस जोन को, और इस सेशन की PDF लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल सक्सेस जोन भिलाई को फॉलो करें, ठीक है, सक्सेस जोन भिलाई को फॉलो करें, और डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे सेशन को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।